शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवमी का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है। बहुत सारे घरों में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और उनके घर में क्या होता है, कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। तो किसी भी कन्या को अगर आप ये पान सामान दे देते हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही ध्यान से सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं और कब देनी है, आपको बताऊँगा बहुत ही विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बहुत सारी कन्याएं बैठी हुई हैं ना। एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये जो कन्याओं को आप बुलाएंगे है ना, इसमें आप चाहो तो 5 बुला लो, 7 बुला लो, 9 बुला लो। बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि भैया 9 हमें नहीं मिलती, हम क्या करें। तो आप 5 बुला सकते हैं, 7 बुला सकते हैं, 3 बुला सकते हैं, 1 बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ऑड नंबर में हो, 1 बुलाओ, 3 बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 9 बुलाओ, वो ऑड नंबर में होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ की बात ये कर लेते हैं कि जो कन्याएं आप बुलाएंगे कितने साल की होनी चाहिए, है ना। जो कन्या हम लोग पूजन के लिए बुलाते हैं या फिर उनकी पूजन करते हैं ना, 10 साल से कम है ना, 10 साल से ऊपर की कन्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम जो भी एज की कन्याएं हों उनको आप बुला करके अपने यहाँ कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। एज समझ में आई, बात आई समझ में। चलो अब हम लोग बता लेते हैं कि कैसे इनकी पूजन अर्चना करनी है। जब आप उनको इस तरीके से लाइन से बिठा लें, जैसा कि इनके देखो सर पे चुनरी उड़ाई गई है, इसी तरीके से आप लेके आओ चुनरी। कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी चुनरी लेके आओ, नहीं, आप चाहो तो 5 रुपए 10 रुपए में छोटी चुनरियां भी आती हैं लाल कलर की, उसको ला करके जितनी भी देवियों को आप बिठाओ उनके ऊपर पहना दो। जब आप इनकी पूजन करें तो इनको कन्या मान करके पूजन ना करें, इनको आप ये समझें कि आपने यहां पर दुर्गा माता को, देवी माँ को बुला करके उनकी पूजन अर्चना कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जो चौथी चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि कन्याओं को आप कुछ भी दें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना, इनको टॉफी मत दो, इनको आप चॉकलेट मत दो, इनको आप चिप्स मत दो। जो भी चीज किसी की शरीर को नुकसान कर सकती है, भले ही इनको पसंद हो लेकिन जो भी चीज इनके शरीर को नुकसान कर सकती है आप पूजन के टाइम पे मत दो। पूजन खत्म हो जाए बाद में जब ये घर जाने लगे उस टाइम पे आप एक दो टॉफी पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजन के टाइम पे इनकी थाली में ये सारी चीजें मत रखना, ठीक। चलो चुनरी उड़ा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इनके जो पैर होंगे इनके पैरों को धुलेंगे, ठीक है। किसी भी थाली ले लेना कोई सा भी और उसमें सभी की पैरों को धुलेंगे, उसके बाद साफ कपड़े से पोछेंगे, ठीक है। दूसरा काम ये करोगे, तीसरा काम क्या करोगे, आपको इनकी आरती उतारनी होगी। जितनी भी कन्याओं को आप बिठाओगे सभी की आरती उतारनी होगी। देखो चाहे एक ही बुलाना ना, लेकिन मन से बुलाना और मन से पूजन अर्चना करना। ऐसा नहीं कि 5 बुला लिया किसी के कहने पे, देखी देखा और कर ही नहीं पा रहे, नहीं, एक बुलाओ लेकिन मन से करना, ठीक। बात ही समझ में, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बताते हैं कि आपको देने कौन सी चीज़ें हैं, जो भी आपको लगे कि माता को प्रसन्न कर सकती हैं, जो भी चीज़ें। जैसे चूड़ियाँ, बच्चों को भी चूड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं, उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको प्यारी प्यारी छोटी छोटी ला के चूड़ियाँ दे सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, उनको रुमाल भी बहुत प्रिय होता है। देखो स्कूल में बच्चे जाते हैं अपने स्कर्ट में इस तरीके से लगा लेते हैं, बेल्ट में रुमाल है ना, तो आपको उनको रुमाल भी गिफ्ट कर सकते हो। कलर की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको कलर पसंद आए आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको लगे कि इस बच्ची को बैग की जरूरत है, इसका बैग फटा हुआ है, मैं देखती हूँ कि स्कूल जाती है बैग फटा हुआ है, आप उसको स्कूल गिफ्ट कर सकते हो, मतलब स्कूल बैग गिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी चीजें आपको लगे कि इनकी जरूरत की है, जो भी इनकी जरूरत की है इनकी फैमिली के हिसाब से, आप इनको दे सकते हैं, इनको दान कर सकते हैं। क्योंकि देखो दान करने का कोई चीज, चढ़ाने का कोई चीज वो नहीं है कि इसमें कोई नियम है कि इतने रुपए का होना चाहिए। आपका मन सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, आपको जो भी देना है इनको पसंद सब कुछ आएगा, ठीक है। बात ही समझ में। तो इस चीजों का ध्यान रखना और इस तरीके से पूजन अर्चना कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, किसी का देखी देखा मत करना, भले ही एक ही कन्या को बुला लेना, लेकिन एक को बुलाओगे तो बहुत ही प्रेम से पूजन करना है ना। ऐसा नहीं 9 को बुला लिया पूजन ही नहीं कर पा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने, कहोगे भाई ये सब आपने क्यों रखा है, नेल पॉलिश, गुल्लक। मैंने कहा ना, अगर आपको जरूरत है कि बिटिया को क्या चाहिए, सेंट देना चाहिए तो परफ्यूम गिफ्ट कर दो, आपको चाहिए नेल पॉलिश लगाना लगाती है बहुत अच्छा तो नेल पॉलिश दे दो, आपको लगता है इसको पैसे इकट्ठे करने का शौक है तो गुल्लक दे दो, है ना। इसलिए मैंने सारी चीजें यहां पर लगाई हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।